रिश्ते नातों में काफ़ी दरार आ चुकी है, तो यही कहना था कि जो हमारे में जो अनबन हुई है तो उसके ऊपर जो पूर्वजों के ऊपर भी कोई असर होता है। देखो असर जैसे कहा, हर चीज़ का असर, पूरे वर्ल्ड पर लोगों के विचारों का असर, एक देश पर देशवासियों का असर होता है, पूरे एक देश पर, उसमें सुनामी आ रही है, उसमें कुछ हो रहा है, उसमें देशवासियों का असर होता है। एक देश रजोगुणी होता है, एक देश तमोगुणी होता है, एक देश सत्वगुणी होता है, तो ये पूरी कम्युनिटी पर असर होता है, एक जाति का, एक राशि वाले लोगों का प्रभाव हर चीज़ का है। मगर जितनी अंदर जागृति होती जाती है उतना आप मुक्त होते जाते हो, क्योंकि आपको कला आ गई कि इन सारे प्रभावों के बाद भी आप सफाई कर सकते हो, आप मुक्त हो सकते हो। आप दूसरों के लिए उनको ज़बरदस्ती मुक्त नहीं कर सकते, आप अपने लिए काम कर सकते हो। तो ये प्रभाव है करके सोच के आपको डिस्करेज नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हर चीज़ का जैसे कहा प्रभाव है, जो भी लोगों के बीच में आप रहते हो उनका भी प्रभाव है, आपके साथ आजू बाजू के लोग कौन से निर्णय ले रहे हैं उन निर्णयों का भी प्रभाव आप पर पड़ता है, डीएस का असर आप पर होता है। मगर जागृत इंसान के लिए ये सब चीज़ों का महत्व समाप्त हो जाता है, वो निश्चिंत रहता है कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता है, आई एम डियर ऑफ गॉड, नो ईविल कैन टच मी। यस। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।